Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut ke parikshitgarh Khajuri gaon ke Deepak ka sir baramad hua to police ne bhale hi kuch pal ke liye rahat ki saans li, lekin kuch hi der baad parijanon ve grahminon ne sir ko beech sadak par rakkar jam laga diya. दीपक त्यागी हत्याकांड को अंजाम देने के आरोपी क्योंकि एक समुदाय विशेष से निकले, इसे लेकर त्यागी व बहुत संख्यक समाज में रोष फैल गया। ग्रामीणों ने जाम लगाते हुए एक समुदाय के खिलाफ यह कहते हुए नारेबाजी की कि उनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हिंदुओं की हत्या नहीं चलेंगी। मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों को भी प्रदर्शनकारियों ने आड़े हाथ लिया। नोएडा के श्रीकांत त्यागी कांड को लेकर चर्चा में आए मांगेराम त्यागी ने आरोप लगाया कि हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में 4 दिन रहे लेकिन सिर बरामद नहीं हुआ। पुलिस क्षेत्राधिकारी पूनम सिरोही के लिए भी मांगेराम त्यागी ने चुनौती भरे शब्दों का इस्तेमाल किया। यह मामला मेरठ परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के खजूरी गांव का है। बीती 27 सितंबर को एक युवक के सरकटी हुई लाश बरामद हुई थी। हाथ में लगी चोट के कारण उसकी शिनाख्त अमन उर्फ दीपक त्यागी निवासी खजूरी के रूप में हुई थी। परिजनों ने बिना सिर के शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। दीपक के पिता धीरेन्द्र त्यागी ने सिर बरामद करने पर 5 लाख रुपए की घोषणा की थी, साथ ही घटना का खुलासा न होने पर पुलिस प्रशासन का चूड़ियां भी भेंट की थी। पुलिस ने आज सिर बरामद कर फैमिद व आसिफ निवासी खजूरी को गिरफ्तार कर लिया। सिर गांव में पहुंचते ही वहां कोहराम मच गया, सिर सड़क पर रखकर जाम लगा दिया गया। देखिए जाम के दौरान मांगेराम त्यागी ने यह कहा। महिला ना हमारी 4 दिन इस पुलिस की कस्टडी में रहे, एसटीएफ जो है जाम में रहेगा, फिर वहां को देख लो कितनी तगड़ी कार्रवाई। और यहाँ भी सड़क के बीच में सर रखा, यहाँ के इनको इतनी शर्म नहीं है बेईमानों को। और कोई कैबिनेट मंत्री आता, विधायक आता क्षेत्रीय, और यहाँ जिले के कमिश्नर के अधिकारी आते हैं, जिन जाकर भाई चलो इसका वो करवाया हुआ, उसके बाप से बात करते, परिवार से करते, रिश्तेदार से करते, इस तरह लेकर आए हैं। बड़े श्रम की घटना इस तरह लेकर आए, जैसा कहीं एक्सीडेंट हो जाए आदमी घर गए और बाहर तो भाई ठहर दिया, दाह संस्कार कर दिया। सारा जो है सारा नशा तारेंगे, नशा समझ गए। यहाँ बुला लो 20-30 हजार फोर्स, यहाँ बुला लो मिलिट्री, हमारे में कुछ फर्क नहीं पड़ता। रोज मिलिट्री फोर्स नहीं देखो, बाकी यहाँ की एक अधिकारी महिला होने के नाते ट्रैक्टर के आगे डाकी, यहाँ की एक महिला असच्चो वो ये कहेगी जेल नहीं जाएंगे, अरे मैं तो हम तो तुझे भी पूछा देंगे। ये यहाँ के अधिकारी को शोभा लग रहा, मैं खुद बैठा था वहां से, मैं बोल रहा मका भाई महिला है अधिकारी है, इसको कुछ कहा तो वही हो जाएगा, भाई महिला है, हम महिला का सम्मान करते, हमारी ये भी बेटी लगती होगी, लेकिन अपनी औकात में रहा। और हम तो भाई हम अधिकारी होते, पुलिस वाले तो नहीं है, पुलिस वाले है इनकी तो ड्यूटी है, हम तो सरकार को देख गणा जी, सरकार को 99% वोट दे रखी, उस सरकार को देख रहा हूँ सरकार कहाँ, और बैठे रहो आराम से, यहाँ हो जा जो चाहे मिलिट्री लगा दो कुछ फर्क नहीं है, आप रहो आराम से, और जिसने सरकार से बात नहीं होगी इतना कुछ नहीं होनेगा। अरे पुलिस इसका मतलब तो भाई फ्रीजर में पुलिस ने रखा था भाई, इसका मतलब तो 8 दिन तक फ्रीज में इसने रख रखा, इनका घूस भर देंगे, कुछ इनका इलाज कर देंगे, बिल्कुल कोई गलत नहीं जानेगा। जो दोषी है वो तो बचने का नहीं, उसका तो होगी बस से उसका तो यही तो डिजन करके उठाने। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, इन्होंने तो काम अपना देख लिया 3 दिन से, जो टेरर बना रखा ना जो टेरर नहीं चलेगा, आप बेफिक्र हो, किसी का इतना भी वो नहीं होने का। और रही उसके बाद जेल पेल तो नहीं हम डरते, जेल तो हमारा वो 14 मुकदमे लग लिया, चाहे 14 हो लगा दो, कहते बिल्कुल बेफिक्र हो, इंसाफ जब हमारा हो जाएगा ना जब उठेंगे। हम सरकार को देख रहे हैं, सरकार आ जाओ, हमको पता नहीं सरकार कहाँ से। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग
करने का अनुभव प्राप्त है और अपनी इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।